रश्मि जी स्वागत है आपका। चार से बहना उसकी जो हर दिन में धड़कन ज्यादा हो जाती है तो उसके बाद जो है उसको चक्कर आने लग जाते हैं, उसके बाद उसको चक्कर आते हैं। हाँ बहन छोटी ठीक है ठीक है। पहल देखिए ऐसे बैठे हैं वो बहन आपकी और देखिए ये एक्सरसाइज करते रहें बस, जितना भी मौका मिले ऐसे एक्सरसाइज करनी है। मेरी तरफ से 3 मिनट या इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। और एक ये ऐसे पूरी तरह मोड़े, देखिए बिल्कुल खेल नहीं है ये, ऐसे करके यहाँ तक लाना है। ये 3-3 मिनट एक्सरसाइज करें पूरे दिन में, 6 मिनट। और एक और बता रहा हूँ, जब बेड पर लेटे ऐसे करके और जिधर पैर होते हैं ना उधर सर करें और ऐसे लेट जाएं, पूरा जिस्म ऐसे सीधा रहे, गर्दन बेड से नीचे लटका लें ऐसे और बाकी ऐसे लेटे रहें, ऐसा 5-5 मिनट करके 5 बार ऐसे लेटा करें। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, हो सकता है दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़े। अगर ये 15 दिन लगातार जैसे मैंने बताया ऐसी वो समझ जाए और आप समझा दें, हो सकता है दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़े। दवा की ज़रूरत पड़े तो गौनसिया तो आप जानते हैं, आधा आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद खिलाइए पानी से या कम चर्बी के दूध से, फायदा होना मुमकिन है जी। कर्नल वर्मा जी इंदौर से स्वागत है सर आपका। ये पूछना चाहता था मैं सर कि फंगस के लिए इंफेक्शन जो खुजली वगैरह होती है इसमें वो चेसिया और ये दोनों नमक काम करेगा? एक तो ये पूछना था और दूसरी चीज ये कि लोगों को थकान अभी चलने फिरने लगे हैं और भी हाथ पैर दुखते हैं तो वो अपने कलौंजी और अलसी और सोट और शहद वाला नुस्खा ले या पाकिस्तान उन्नाव और अलसी वाला ले? हाँ सबिस्तान उन्नाव अलसी वाला नुस्खा वो इम्यूनिटी के लिए है, अगर इम्यूनिटी की कमी है तो वो दें और वो ठीक है तो फिर आप ये सौंठ वाला नुस्खा दे सकते हैं। और क्या सवाल है? फंगस के लिए। हाँ फंगस के लिए तो वो नुस्खा बहुत अच्छा है, टाइम शायद बहुत कम है, जो जैतून का नमक और अलसी वाला नुस्खा आप दे सकते हैं, बेहतरीन नुस्खा माना जाता है मेरी नज़र में, इससे बेहतर अभी तक कोई नुस्खा नहीं गुजरा, आप दे सकते हैं उन्हें। बहुत शुक्रिया आपका। श्रीवास्तव जी स्वागत है आपका। बहू का कोई निवेदन है आपसे सर, इनकी शादी को 6 साल हो गए सर तो इनको भी बच्चे नहीं हुए हैं। अच्छा वैसे चेकअप तो आपने कराए होंगे, दोनों मियां बीवी के टेस्ट होने चाहिए कि किस में क्या कमी है। ये औलाद होने के लिए दो चीज़ें तो महिलाओं को ज़रूरी हैं कि उनको मेंसेस ज़रूर होने चाहिए हर महीने, चाहे एक ही ड्रॉप हो लेकिन होना चाहिए, और एक कहलाते हैं एग्स जिसे आसान भाषा में औरत के अंडे कहते हैं, वो बनने चाहिए और मजबूत बनने चाहिए। और मर्दों में बस दो भी चीज़ें होनी चाहिए कि बल्कि एक चीज़ के वो उनके जरासीम होने चाहिए और पूरे होने चाहिए और मजबूत होने चाहिए। इसका टेस्ट आपने ज़रूर कराया होगा 6 साल में, ऐसा हो नहीं सकता इतने समझदार लोगों ने टेस्ट नहीं कराया, तो अगर इसमें कोई ख़राबी होती तो आप बताते ज़रूर, ये भी मैं पहचान सकता हूँ, ये बात समझ सकता हूँ। अच्छा देखिए एक नुस्खा है, ये जो इसबगोल की भूसी आप तो सभी जानते हैं, मेडिकल स्टोर पर मिलती है, सत इसबगोल भी कहते हैं, इसबगोल की भूसी भी कहते हैं, भूसी इसबगोल भी कहते हैं, हर मेडिकल स्टोर पर गांव शहर सब में मिलती है। ये 1 चम्मच या 2 चम्मच खूब भर के खूब गर्म दूध में ऐसे मिलाएं और हिलाते रहें, गांठ ना पड़ने दें, और चाहें तो इसमें शक्कर मीठा कर सकते हैं अपनी जायके का, शक्कर मिलाएंगे तो खीर जैसा लगता है। अच्छा एक आता है गौन चिलगोज़ा, चिलगोज़ा एक ड्राई फ्रूट है, उसका गौंद आता है, ये दुनिया का सबसे महंगा ड्राई फ्रूट कहलाता है और गौंद आप समझ सकते हैं, तो ये अलग से लें,
खाली 100 ग्राम खरीद लें और एक चुटकी इस दूध में मिला लें, जो गरम गरम दूध है उसे मिला लें और इसे ठंडा होने दें। ये आपकी बहू लें एक गिलास, और एक गिलास आपके अगर बेटे भी लें तो बड़ी मेहरबानी, और रोज़ बस एक ही बार लेना है, रात को लेना है, और 24 घंटे बस एक बार। और आप ये 100 ग्राम भी ले लेंगे तो इसके ख़त्म होते होते आप साहिब उम्मीद हो सकते हैं जी।